16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में, घर में अगर गंगा का जल हो, आपके आपके घर में अगर गंगा जल रखा हो, श्राद्ध पक्ष में तुलसी के क्यारे के पास में एक छोटी सी कटोरी रखकर घर का कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो, पुरुष हो, पुत्र हो, पुत्र वधू हो, बच्चे हो, कोई भी हथेली में गंगा जल लेकर अपने पूर्वजों का स्मरण करकर, और वो गंगा जल काशी विश्वनाथ के नाम से अपने पूर्वजों का नाम लेकर वो कटोरी में अगर 5 बार या 7 बार छोड़ देता है तो उसके पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। आपको लगता है कहीं कहीं कि मेरे पितर मुझ पर क्रोध कर रहे हैं, आपको कभी कभी लगे कि मेरे ऊपर पितरों का पितृ दोष लगा हुआ है या पितरों का श्राप लगा हुआ है, या हमारे यहाँ पर लोग अधोगति में ज्यादा मर जाते हैं, हमारे यहाँ ये काम ज्यादा हो जाता है। तो निवेदन है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, प्रयास करिएगा एक चावल की कटोरी में, कटोरी के अंदर थोड़ा सा चावल रख लीजिए कच्चा, उस चावल की कटोरी में एक बेलपत्र, थोड़ी सी दुर्वा बांधकर पानी का मटका, परिंडा, या जहां अपना रसोई घर में जल रखते हो उस कटोरी को वहां पर 2-3 दिन तक रख दो। वैसे तो 16 दिन रखो ज्यादा अच्छा था, पर जो दिन अपने को मालूम है 2-3 दिन उसको रख दीजिए। घी का दिया लगाइए, 3 दिन के बाद में उस दुर्वा को, उस बेलपत्र को शिव बाबा को ले जाकर समर्पित कर दो। चावल पूरे घर में घुमाने के बाद चिड़िया को या नदी में या किसी जीव को प्रदान कर दो। महाराज, पितृदोष के निवारण का सुंदर तरीका कल आपको कथा में कहा था, अगर हम ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे, गौ माता को भोजन नहीं दे पा रहे, स्वान को, कुत्ते को भोजन नहीं दे पा रहे, कौए को भोजन नहीं दे पा रहे हैं, किसी कारणवश हम श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश हम पूर्वजों को नहीं मना पा रहे हैं, ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर के पितर श्राद्ध पक्ष में पृथ्वी पर नहीं आते। तुम पूछो मत पूछो, तुम्हारे घर के पूर्वज तुम्हारे यहां जरूर आते, दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं पितर, दरवाजे पर आकर हमारे घर के पितर खड़े होते हैं, स्मरण करते हैं कि हमको यहां से कुछ भाग प्राप्त होगा, कुछ मिल जाएगा। श्राद्ध पक्ष में सारा भोजन कोई भी लगाकर ब्राह्मण को जिमाए उससे मतलब नहीं है, पर श्राद्ध पक्ष में तिथि पर, श्राद्ध में या अन्य तिथि पर, बरसी आदि तिथि पर अगर खीर का पात्र भरा जाए तो घर की बहू, घर की माता, घर की स्त्री, घर में जो ताई चाची जो भी है घर में स्त्री, उस खीर के पात्र को उसको भरना चाहिए। संपूर्ण थाली कोई लगा और फिर निवेदन करेंगे श्राद्ध पक्ष में एक बार प्रयोग कर देखिए, जिसके घर में 23 से 24 साल तक भी औलाद नहीं हो, 23 से 24 साल तक भी औलाद पैदा नहीं हुई हो, जिसके घर में संतान ना हुई हो, वो एक प्रयोग जरूर करे। एक प्रयोग जरूर करो कि 23 साल तक भी औलाद ना हुई हो तो श्राद्ध पक्ष में तुम्हारे दादा परदादा किसी का श्राद्ध घर में हो रहा हो, और किसी दादी का श्राद्ध, किसी दादा का श्राद्ध, किसी बुजुर्ग का श्राद्ध तुम्हारे घर में हो रहा हो तो खीर के बर्तन में खीर तुम भरकर, और उस ब्राह्मण को जिसको घर में बुलाया गया है भोजन कराने के लिए वहां तुम देकर आओ, और अगले श्राद्ध तक इंतजार करो। मेरा बाबा वंश की वृद्धि करता ही है, निश्चितता देता है, वंश बढ़ाता है। पितृदोष है ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? पितृ भूखे हैं इसका तो वर्णन हमने पहले कर दिया कि रात्रि को जब आप सोने के बाद में 1-1.5 घंटे बाद अगर आपकी नींद खुल जाए,
एक घंटा डेढ़ घंटा आप सो लिए, उसके बाद जो नींद खुली तो एक डेढ़ घंटे तक आपको नींद नहीं आ रही है। रात्रि को सोने के बाद में एक घंटे बाद जब उठे तो आपको प्यास लग गई, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी कि मेरे को पानी पीना पड़ेगा, घबराहट हो रही पानी पीना पड़ेगा। एक डेढ़ घंटे सोने के बाद अचानक नींद खुले और आपको प्यास लगे, समझ लेना आपके पितर भूखे हैं और प्यास है। वो भूखे और प्यासे हैं, उनको जल की जरूरत है। किसी भी नदी में, सरोवर में, कुंड में, बावड़ी में, तालाब में, आप तीर्थ में जाकर जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद एक काम का नियम बना लो कि अपने हाथ की अंजलि में जल लेकर अपने पूर्वजों को देना है। प्यासे रहते हैं, भाग मांगते हैं। भाग प्राप्त करना। तीन वृक्ष पितरों के तुल्य है। नैमिषारण्य की कथा में भी कहा था, तीन वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्र का वृक्ष। ये पितरों के तुल्य हैं। अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आ रही है, ऐसा लगता है कि रात्रि को एक घंटा डेढ़ घंटा सोने के बाद कुछ गलत गलत विचार आने लगते हैं, नींद सुबह 3 बजे तक 4 बजे तक नहीं आती, 4 बजे के बाद फिर नींद आती है, तो एक प्रैक्टिकल जरूर कर देखना। एक प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, प्रयास करने में क्या कुछ जाता है क्या? प्रैक्टिकल कर देखना कि कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। तो प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाए। एक लोटा पानी लो, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, बेलपत्री का पेड़ या पीपल का पेड़ या बट का पेड़, इन पेड़ के नीचे ले जाकर उस दूध को दोपहर में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ले जाकर चढ़ा दीजिए। रात्रि को फिर ना आपको प्यास लगेगी, ना भूख लगेगी, नींद एक बार लगी तो सुबह ही खुलेगी। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? पानी डालने में तुम्हारा कुछ जाएगा? अरे बोलो तो सरी, हमें 10 रुपया का दूध जरूर उसमें, और तुम इतनी चतुर हो, इतना सारा दूध थोड़ी डालोगे, तुम 2 चिल्ला डालोगे, कहाँ तुम इतना डालने वाली हो है? कहा बहुत चतुर लोग हो रहे संसार में, हो भले पूजन पाठ नहीं करे पर कहीं का एकदम मिलने आ जाए ना। क्या अम्मा जी है क्या, पाठ कर रही है? फिर वो भी बैठ गई तुरंत, अभी तो सोई थी। तुरंत क्या पंडित जी हैं क्या, उनसे थोड़ा सा काम है, अभी माला जप रहे हैं। मालूम पड़े पंडित जी तो आराम से सेव फल खा रहे थे। अब प्लेट सोफा के नीचे घुसे प्रैक्टिकल करने में क्या जाता, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। यह तो बस जल डालोगे तुम्हारा ही कुछ अच्छा हो सकता है, बाबा की कृपा है। तीन वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला जम के बोलिए पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्री का वृक्ष। तीन पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण एक साथ निवास करते हैं, इसलिए पितृ तुल्य। बट वृक्ष ब्रह्मा जी के मस्तक से बना, इसलिए पितृ तुल्य है। और बेलपत्री का वृक्ष माता पार्वती जी के अश्रु से बना, जब
आंसू गिरे थे माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती के, उस समय पर पितृलोक में हलचल उत्पन्न हो गई थी, हमारी नातिन की आंख में आंसू कैसे आ गए? मैनावती की पुत्री है, पितरों की नातिन, इसकी अश्रु कैसे गिर गए? पार्वती जी ने कहा यह आंसू नहीं, मेरा पुण्य भाग प्रकट करती हूं बेलपत्री के रूप में। तो पितरों ने वर दिया था कि यह बेलपत्री का वृक्ष हमारा आशीर्वाद है, इसके नीचे अगर कोई दीप लगाता है, शिव को स्पर्श कर चढ़ाता है, उसके पितरों की शांति होगी, हम स्वयं उसको आशीर्वाद देने के लिए पधारेंगे। बेलपत्र का वृक्ष पितृ तुल्य, तो रात्रि को अगर भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो पितृ दोष। दूसरा पितृ दोष का लक्षण बताया, घर में कोई शुभ कार्य ना हो, वंश की वृद्धि ना हो, एक रुपये कमाओ सवा रुपये खर्च हो रहे हैं, पैसा दस जगह से कमाई आ रही है पर घर में टिक नहीं पा रही है, आया गया पितृ दोष। जरा सी कटोरी पड़ी है उसके पीछे विवाद चालू हो जाए, पानी ढुल गया उसके पीछे विवाद हो जाए, या छोटी छोटी बात में घर में क्लेश मचा हुआ है, पितृ दोष है। समझ लो हमारे पूर्वज हमसे खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं। कोई कहता है गुरुजी श्राद्ध बड़े बेटे को करना चाहिए कि छोटे को करना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है अगर जायदाद का पूरा हिस्सा बड़े ने लिया हो और तुमने अपनी माता का दूध ना पिया हो तो एक ही को कर लेने दो। अगर माता का दूध पिया है और अगर एक अंगूठी भी ली है, जरा सा एक कपड़ा भी अगर सास का लिया है, तो श्राद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल जम के तो बोलो। अगर तुमने उनका कुछ खाया है तो कि अब एक काम और हो सकता है, गुरुजी वो श्राद्ध अगर हम नहीं करें और बड़े भैया करें और हम उन्हीं के यहां चले जाएं तो चले जा, मना कौन कर रहा है? पूड़ी का तेल तू ले जा, खीर का दूध दो थैली तू खरीद के ले जा, जितना वहां वो सेवा करे उतनी सेवा तुम करो, गलत है क्या? जायदाद का भी तो हिस्सा किया था, सुई की नोक के बराबर नहीं धुआं ने, ईंट इधर खसकी है तो हमारी इधर खसका दीजिए, हमारी बसियत में इतना लिखा है तो फिर बसियत में ये भी लिख के जाना चाहिए था। मैं तो कहूँ सबके तुम डरो मत ही रहे, एक भी जब छोरा छोरी के जब सब सामान प्रॉपर्टी दो ना, जमीन दो ना, जायदाद दो ना, सारा सामान छोरा छोरी के दो, तो उनके लिख के भी जाओ कि हमारी श्राद्ध कर दे अच्छे से, नहीं तो भूतड़ी बन के सताऊंगी। श्राद्ध करो, कितना दिया तुमको बोलो, ईमानदारी से बोलना कितना दिया? ढेरों। और एक बात बहुत अच्छे से कहूंगा आप लोगों के जीवन में उतरे, अगर मायके में भाई, मायके में भाभी, मायके के लोग अगर आपके माँ बाप का श्राद्ध नहीं करते हैं तो बेटी भी अपने माता पिता का श्राद्ध कर सकती है। उसने भी दूध पिया है अपने माता पिता का, पर वो श्राद्ध का भोजन कौन कराएगा? बेटी का पुत्र हो, बेटी की पुत्री हो, वो करा, और नाम वो नाना नानी का ले ले करे। अगर वो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं संभालते, वो नहीं जानते, तो आप करो, तो करे। दो भाग होते हैं, जब एक रोटी गाय के मुख में दी जाती है, गाय के मुख में जब हम रोटी देते हैं, एक रोटी जब देते हैं, या तो गाय के मुख में 16 श्राद्ध में जब रोटी देते हैं तो रोटी को बीच में से तोड़कर, रोटी का जो दो भाग होता है उसको, मतलब
ऊपर से फुलका का परत नहीं निकालना है, रोटी जो सीधी सीधी है ना, जैसे ये रोटी है तो इसको बीच में से तोड़ लिया, दो भाग विभाजित कर लिया, नीचे वाले भाग में भी थोड़ा सा गुड़ शक्कर रख लिया, ऊपर वाले भाग में भी गुड़ शक्कर रख लिया, एक के ऊपर एक रोटी को रख लिया, वो गाय को दी। तो अपन श्राद्ध पक्ष में दो पूड़ी का प्रमाण है कि गाय को दो रोटी दी जाती है, कुत्ता को दो रोटी दी जाती है, दो पूड़ी रख के देते हो नहीं देते? आप लोग तो देते हो, दो पूड़ी के ऊपर पूड़ी रखकर, थोड़ा सा मीठा रखकर, नमकीन रखकर, कुत्ते को भी देते, दो पूड़ी तोड़कर कागा को भी देते, दो पूड़ी का प्रमाण कहां से आया? दो भाग रोटी के टुकड़े का प्रमाण कहां से आया? श्राद्ध पक्ष में ही ऐसा क्यों किया जाता है? बाकी के समय पर तो कोई ऐसा दो पूड़ी का प्रमाण ही नहीं, पर श्राद्ध पक्ष में ये क्यों कहा जाता है कि पूड़ी के ऊपर पूड़ी रख दे, उसमें मीठा रख दे, खीर शक्कर रख दे, गाय को दिया, कुत्ते को दिया, कागा को दिया, ऐसे क्यों कहा जाता है? उसका कारण क्या होता है? उसका केवल एक कारण है, जो नारी ने भोजन का निर्माण करा है, जो घर की बहू भोजन बनाई है, जो घर की बेटी ने भोजन बनाया है, घर की माता ने भोजन बनाया है, महाराज पिता पुरुष एक कुल को तारता है, बेटी दो कुल को तारती है। जब श्राद्ध पक्ष में दो भाग रोटी के कर गाय को देती है तो एक भाग तो उसके ससुराल वालों को मिलता है, मायके को भी मिले, ससुराल को भी। जब गया जी का पिंड होता है तो नाना नानी सबका स्मरण कराया जाता है, दो भाग। पुण्यता प्राप्त। अब लोगों को मालूम तो है नहीं कि दो पूड़ी क्यों रखते हैं, उसका कारण वर्णित है शास्त्रों, दोनों पक्ष तारने के लिए, दोनों पक्ष का स्मरण कराने। महाराज बिंदु प्रेतियोनि में पड़ा, चंचुला देवी उनके मोक्ष का प्रयोजन कर रही है, प्रयास कर रही है। क्या करा जाए कि इनको मोक्ष मिल जाए? कहा शिव महापुराण की कथा, पार्वती मैया की सहेली बन गई और पार्वती मैया ने शिव महापुराण में प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए कहा तुम तुमरुका जी के यहां जाओ, देवऋषि नारद के पास जाओ। नारद जी ने तुमरुका जी के पास भेज दिया, क्यों? नारद जी जानते हैं मैं कथा नहीं कह सकता, मैं कथा सुन सकता हूं पर कह नहीं सकता, कहने के लिए मुझे बैठना पड़ेगा, सुनने के लिए हो सकता है कि मैं चले जाऊं वापिस आकर बैठ जाऊं। तुमरुका जी से कहा कथा कह दोगे? हाँ, कहने में क्या दिक्कत है, मेरे पति को प्रेत योनि से मुक्त करना है। तो मुरुका जी बोलते हैं केवल तुम्हारा पति प्रेत योनि से मुक्त नहीं होगा, तुमरुका जी ने शिव महापुराण में कहा सुनो चंचुला देवी, केवल एक व्यक्ति शिव पुराण से नहीं तरता, इस बिंदुक जैसे ना जाने कितने प्रेत इस वायुमंडल में घूम रहे होंगे, ना जाने कितने पितर, ना जाने कितने आहुत, ना जाने कितने वासुक इस वायुमंडल में घूम रहे होंगे। तुम्हारा पति तुमको दिखा नहीं, तुम्हारा बिंदुक तुम्हें कभी नजर आया नहीं, फिर कारण क्या था? बस मन में शांति नहीं है, घर में सारा सुख है पर हृदय में शांति नहीं, समझ लो पितृदोष है। क्या करा जाए फिर, क्या करोगे? महाराज हृदय शांति, हृदय केवल एक अकेला बिंदुक शिव महापुराण की कथा सुनकर नहीं तरेगा। तुमरुका जी कहते हैं जिस समय पर मैं शिव महापुराण की कथा कहूंगा सुनो चंचुला देवी, इस संसार के इस भूमंडल पर मृत्यु लोक में जितने भी जीव इस संसार सागर में भटक रहे होंगे शिव महापुराण की कथा सुनकर वो भी तर जाएंगे। ये अकेली बिंदुक को तारने वाली नहीं है, इस मृत्यु लोक में जो विराजमान, आज भी नियम है महाराज, श्राद्ध का भोजन टेबल पर नहीं कराया जाता, श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण को कुर्सी पर बिठाकर नहीं कराया जाता, श्राद्ध का भोजन किसी जाता है
जाता। श्राद्ध का भोजन आज भी प्रमाण है कि ब्राह्मण के लिए भूमि पर आसन लगना चाहिए और जमीन पर बैठकर कराना चाहिए। तब क्यों? क्योंकि इस भूमि पर बैठकर जब भोजन कराएंगे, इसी भूमि से ना जाने कितने पितर गए, कितने तर्पण हुए, कितनी तिलांजलि हुई, इसी भूमि से, इस रज से, इस कण से ना जाने कितने जीव चल गए। अब लकड़ी पर या टेबल पर या कुर्सी पर बैठकर ब्राह्मण को भोजन कराने का प्रमाण नहीं है। अब आपका फैशन ज्यादा हो गया तो बात दूसरी है। पंडित जी ऊपर बैठ के खा लोगे क्या? पंडित जी तो बोल देंगे अच्छा है, खिला दो। ऊपर बैठ के क्यों? वो झुकने में थोड़ी सी कमर लचक जाए, क्योंकि खीर परसेगी तो झुकना पड़ेगा। अब ब्राह्मण अगर भोजन करने आसन पर बैठेगा, तुम अगर थोड़ा झुककर परसोगी, ब्राह्मण के सम्मुख में आप थोड़ा सा भोजन कराते समय झुकोगी, जरा विचार करिए। यशोदा मैया के घर में संतान नहीं थी, यशोदा जी श्रावण के महीने में श्रावणी करने आए हुए ब्राह्मण को मात्र खीर परोसने के लिए गई थी। 52 साल की उम्र थी, संतान का सुख नहीं दिख रहा था, खीर परोसने के लिए गई। उतनी देर में ब्राह्मणों ने देखा इनके घर में संतान नहीं है, पुत्र भव कह दिया। और यशोदा जी की पति श्री नंदलाल नंदराय जी कह रहे हैं कि बाबा मैं 60 का या 55 की, बाल हो गए धोले, और तुम कह रहे हो पुत्र होगा, कहां से होगा? ब्राह्मण कहते हैं ब्राह्मण जब भोजन करता है, भोजन करते समय जब वर देता है, वो वर गलत नहीं हो सकता, कहीं से भी आएगा पर छोरा तो आएगा। और आया, कहीं से भी आया पर पुत्र आया, क्योंकि आशीर्वाद दिया था। श्राद्ध पक्ष का भोजन टेबल पर नहीं, कुर्सी पर नहीं, श्राद्ध पक्ष का भोजन ब्राह्मण को आसन लगाकर जमीन पर कराना चाहिए, भूमि पर। अब आजकल के ब्राह्मण भी थोड़े नीचे, अगर हम टेबल पे ही जीम लें तो जीम अब क्या जीम? बोले भी तो का बोले, तो मैं बता, थोड़ा सा भाग भूमि का हो महाराज, तर्पण तिलांजलि सब भूमि पर। हम तो जो जजमान हवन करने के लिए भी जो जजमान लोग नाम लिखाए हैं पितरों के लिए, तो हम उनको भी कहते हैं कि कुर्सी पर बैठकर आहुति छोड़ने से अच्छा है आप बैठो मनानी पर, पहले सबसे पहले भूमि पर 10 मिनट बैठो, पर बैठकर आहुति छोड़ो, उसके बाद भले आप स्टूल लगाओ कुर्सी लगाओ आपकी मर्जी, पर 10 मिनट 5 मिनट तो आप भूमि पर बैठो उन जीवों के लिए। इसी तरह बताए गए शिव महापुराण कथा के अंतर्गत उपायों के जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महादेव आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। इसी के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। घर घर महादेव।